नंदिनी नंदिनी संभालो अपने आप को। कैसे हुआ ये सब? मतलब आखिरी बार कब मिली थी उससे? आज सुबह बोल के गया था अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा है, लेकिन किससे मिलने गया, कहाँ गया, कुछ पता नहीं। संभालिए, आइए आप इधर आइए, आइए बैठिए। अर्जुन को कुछ नहीं होगा, मैं आपके लिए पानी दे रही हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कीर्तन चाहिए। मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अर्जुन को ढूंढना है, मेरी मेरी मदद करो कीर्तन, प्लीज। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस को मैं फोन कर चुकी हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि 24 घंटे से पहले वो रिपोर्ट नहीं लिखेगी। कीर्तन, हमें अपने बच्चे को ढूंढना होगा, वो पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा, किस हाल में होगा। चलो कीर्तन प्लीज, तुमसे दूरी की वजह से परेशान था वो, तुम्हारा बेटा है। नहीं है वो मेरा बेटा। ऐसा मत कहो कीर्तन, अर्जुन तुम्हारा बेटा है। झूठ झूठ बोल रही हो तुम, अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम्हें नंदिनी, अर्जुन मेरा बेटा नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। आप जाएंगे? हरगिज नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। विक्टर जी इधर आइए, मैं मेरी बात सुनिए, क्या हो गया आपको? अर्जुन बच्चा है, ये शहर उसके लिए नया है, लोग नए हैं, अगर उसको कुछ हो गया तो आपको जाना चाहिए। केटी जी प्लीज जाइए, जाइए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा बेटा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपका बेटा है, लेकिन इंसानियत के नाते तो जा सकते हैं ना, प्लीज जाइए ना, मदद कर दीजिए उसकी। नहीं जाएंगे ना तो ठीक है, मैं जाती हूँ अर्जुन को ढूंढने। ये प्रीति हर बार बीच में आ जाती है, मुझे कीर्तन के साथ टाइम बिताना है, ये साथ आएगी तो पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। नंदिनी, अर्जुन को ढूंढने में मैं तुम्हारी जो मदद कर सकती हूँ मैं करूंगी। चलो रुकिए, बहुत जिद्दी हैं आप, चलिए। थैंक यू। चलिए बहू, ये तुमने ठीक नहीं किया, केटी को नंदिनी के साथ अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। नंदिनी के दिमाग में क्या चल रहा है बेटा हम लोग नहीं जानते, वो बस एक मौका ढूंढ रही है केटी को फंसाने के लिए, वो कब अपनी चाल चल जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। पापा जी, मैं भी नंदिनी को समझने लगी हूँ, नंदिनी और केटी जी के बीच में जो भी परेशानियां है या नंदिनी जैसी भी हो, इस हालात में वो बच्चा पिस रहा है, वो मासूम है, ना समझ है, अगर परेशानी में आकर उसने कुछ गलत कदम उठा लिया या कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इस वक्त मैं सिर्फ अर्जुन के बारे में सोच रही हूँ और इसीलिए मैंने केटी जी को नहीं रोका जाने से। बेटा तुम्हारा इरादा बिल्कुल नेक है, लेकिन मुझे डर है तुम्हारी ये नेक दिली अच्छाई कहीं तुम्ही पर भारी ना पड़ जाए।
रो छोरी, तो काहे रोए? तारी कोई गलती ना है, कुएं में गिरन दे उस छोरे ने। छोरी तुम्हारे को माफ ही दे दे। ना, मा, तू ऐसे मत बोल माँ। गलती की है तो माफ ही तो बने ना। मैं माँ होके ना समझ पाई कि छोरी मारी छोरी कितनी तकलीफ में है। तारे को मारी इतनी परवाह है कि तूने अपने आत्मसम्मान ने परे रख के उस लिचड़ छोरे की सरते मार ली। तूने बेटी होने का धर्म निभाया, मैंने माँ होने का धर्म ना निभाया। छोरी सब मत बोलना माँ। मैं चाहती थी कि थारा ब्याह उस छोरे से हो जाए ताकि थारी आगे की जिंदगी सुख से शांति से खुशी से बीते, इसलिए ना कि अपने आत्मसम्मान ने किसी के पैरों के आगे ऐसे परोस दे कि आओ सा रौंदो जैसा चाहो। ये तो भला हुआ उस नील का कि उसने प्रीति को बखत रहते बता दिया और प्रीति ने मारे को बताया, नहीं तो तू सोच थारी जिंदगी तो नरक बन जाती और मारे को पता भी नहीं लगता और फिर तो मैं अपने आप ने माफ ही ना कर पाती। थारी उम्र में ना मैं बिना वजह किसी को अपने ऊपर हावी ना होने देती थी और तू तो आजकल की छुरी है, इतनी समझदार है, अपने पैरों पे खड़ी है, थारे को ऐसा करने की जरूरत ना है। मारे को बहुत घमंड है मारी छोरियों पर, मैंने अपने संस्कार कूट कूट के भर के दिए हैं, तो किसी की घटिया सोच के आगे अपने चरित्र का प्रमाण देने की जरूरत ना है। इंसान ने जिंदगी में समझौते करने पड़े पर अपने आत्मसम्मान के आगे नहीं, समझी? मरण दे उस छोरे ने, उसकी ऐसी हिम्मत की मारी कसूरी जैसी छोरी के साथ रिश्ता तोड़ेगा हम तोड़ेंगे रिश्ता उससे। ये निकाल निकाल, ये अंगूठी निकाल निकाल, अपने हाथों से खुद निकाल। ऐसे करना चाहिए, जो इंसान एक लुगाई की इज्जत ना कर सके उसे पैरों की जुत्ती समझे उसको इंसान भी नहीं समझना चाहिए, पति तो दूर की बात। ईश्वर की कृपा है और थारे सिर पे पुरखों जी का आशीर्वाद है, थारे सर से इतनी बड़ी पला टल गई, ये है ना खुशी की बात। हंस दे, कितनी फूट रही है मारी चोरी। थैंक्स नील, थैंक्स नील, आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी हल हो गई और महसूस हुआ जैसे मुझे मेरी माँ ने पहली बार दिल से समझने की कोशिश की है। फतेह सागर, स्वरूप सागर, पैलेस साइड कहीं भी नहीं अर्जुन। एक काम करते हैं, हिरण मगरी चलते हैं, शायद वहां उसकी कोई खबर मिल जाए। अर्जुन को ढूंढने में तुम बिजी रहो और मैं तुम्हारे साथ ये रोमांटिक ड्राइव के मजे लेने में बिजी रहूंगी। वैसे इसका क्रेडिट भी अर्जुन को जाएगा, फाइनली वो किसी काम तो आया। मॉम, मॉम प्लीज, आप मुझसे बात नहीं करती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दो दिन हो गए मॉम, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं आपके लिए। आप कहो तो मैं प्रीति आंटी का मर्डर भी कर सकता हूं, पर प्लीज आप मुझसे बात कीजिए। कुछ भी कर सकते हो? हाँ मॉम, कुछ भी कर सकता हूँ, आप बोलो। ओके, तुम्हें एक और चांस दिया। थैंक्स मॉम, अब बताइए मैं क्या करूं, मैं कुछ भी करूंगा आपके लिए, बस आप प्लीज मुझसे बात करना मत बंद कीजिए। तुम बस भाग जाओ। भाग जाओ कहाँ? मॉम मैं आपके बिना नहीं रह सकता, अब प्लीज मुझे आपसे दूर मत कीजिए। भागने का सिर्फ नाटक करना है और फिर कब किससे टकराना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। नंदिनी, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, आखिरी बार कब बात हुई थी अर्जुन से? सुबह बात हुई थी उससे, वो हमारी शादी ना होने की वजह से बहुत परेशान था। उसका बस एक ही अरमान था, अपनी मॉम और पापा को मिलवाने का। तुमने एक ही झटके में उसके सारे अरमान तोड़ दिए, सारे सपने तोड़ दिए।
तब से ना वो ठीक से खाना खाता है ना बात करता है। बस यही पूछता था कि तुमने अपना इरादा बदला या नहीं, और हर बार मेरा जवाब सुनकर उसकी उम्मीद और टूट जाती थी। बस यही चाहता था कि उसके मॉम और पापा मिल जाए। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है कीर्तन। भगवान करे वो जहां भी हो ठीक। कीर्तन बोलो ना, वो मिल जाएगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? पापा गार्डन में हैं। बोले आपसे बात किए बिना नहीं जाएंगे। तुमने उसे यहाँ क्यों आने दिया? मैम मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो इतना जिद करने लगे कि मुझे मजबूरन लेकर आना पड़ा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी जाओ जल्दी। प्रियंका मूंग दाल का डब्बा दे दो। अच्छा रहने दो, मैं लेती हूँ। ठीक है। अरे मेरे सीए की डिग्री क्या कर रही है डब्बे में? रे राम जी की घोड़ी, अकल का घास चरने छोड़ी, कोई अपने सीए की डिग्री का एक टाले चाबी में रखे। लेकिन मम्मी जी ये डब्बे में किसने रखी? भूल गई, ब्याह से पहले तो अव्वल नंबर की सीए थी ना। जानू जानू, मैंने तब थारे को रोका था, क्योंकि तब मैं चाहती थी कि तू अपनी सारी पढ़ाई लिखाई ना सुमेध के काम को आगे बढ़ाने में लगा दे। अब मैं ही थारे को कह रही हूँ, डिग्री ले अपनी और नौकरी कर ले। जब तक सुमेध अपनी दुकान खड़ी करेगा ना, उसको मदद मिल जाएगी। मम्मी जी आप सही कह रहे हो, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू सो मच मम्मी जी, थैंक यू सो मच। बस बस, तू जाने मारे को लिपटा चिपटी ना पसंद, मैं सास हूं थारी। छोड़ छोड़। ठीक है। उजाला जी किससे छुप कर मिल रही है? अर्जुन बेटा, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब मैंने तुझे समझाया था ना, मुझे सब कुछ देख करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अर्जुन तुम यहां कैसे? अर्जुन आपके पास क्या कर रहा है? तो अर्जुन मेरा पोता है, पर इसका मेरे साथ होने से तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरी जासूसी? नंदिनी ने आपके सामने अर्जुन के लापता होने की खबर दी थी ना, तो आपने कुछ क्यों नहीं बताया? वो केटी जी को भी लेकर गई है उसे ढूंढने के लिए, और केटी जी तो चाहते भी नहीं थे उसके साथ जाना, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? तुम हो कौन मुझसे इतने सवाल करने वाली? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। देखिए आप मुझे कोई जवाब मत दीजिए, लेकिन एक बात मुझे समझा दीजिए।
नंदिनी केटी जी पर केस भी कर सकती है, हमारा पूरा परिवार मुसीबत में आ सकता है। कान मत भरो मेरे, मैं कह रही हूँ और मैं जानती हूँ मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया है, सही किया है। मेरा अर्जुन, इसकी हालत इतनी खराब थी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? आपकी वजह से ही तो सब कुछ खराब हुआ है। मेरे मम्मी पापा 17 साल बाद एक साथ होने वाले थे कि पता नहीं आप कहां से बीच में आ गई। आपकी वजह से मेरी मॉम रोज रोती है जो मैं बिल्कुल नहीं देख सकता, इसलिए मैं भाग आया। हाँ, और फतेह सागर पर ये अपनी जान देने ही वाला था कि मैं इसे मिल गई वहां और इसे मैंने रोक लिया, वरना पता नहीं आज इस मासूम के साथ क्या हो जाता। ये मेरी केटी का अंश है, ये मेरा पोता है और इसे मैं नहीं खो सकती। देखिए, केटी जी अर्जुन को अपना बेटा मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि नंदिनी झूठ बोल रही है। क्योंकि केटी गुस्से में है। मैंने देखा है केटी और नंदिनी के बीच प्यार, मुझे इसकी डेट ऑफ बर्थ भी पता है, 29 अगस्त। इसकी एज और नंदिनी का हमारा घर छोड़ के जाना बिल्कुल एक टाइम पे था। मतलब नंदिनी प्रेग्नेंट थी जब वो हमारे घर से गई, इसलिए मेरा दिल मानता है अर्जुन मेरे केटी का बेटा है, मेरा पोता है। अब ध्यान से सुनो, वो इंसान जिससे तुम्हें टकराना है वो है तुम्हारी कुशाला दादी। पर वो मुझसे बात नहीं करेंगी। करेंगी बेटा, करेंगी। उस दिन तो वो केटी की वजह से चुप रह गई, पर मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए अपनापन देखा है। वो दिल से तुम्हें अपना पोता मान चुकी हैं। तुम्हें बस उनके पास जाकर उनकी ममता को दर्शाना है, और फिर मैं तुम्हारे भागने की झूठी खबर फैला भी दूंगी, और जब तक पुलिस तुम तक पहुंचेगी तुम कुशाला दादी के पास मिलोगे। फिर पुलिस कुशाला दादी से हजारों सवाल पूछेंगी। मैं भी पुलिस से कहूंगी कि कीर्तन मुझसे दोबारा शादी तो नहीं कर रहे, लेकिन मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहते हैं। और फिर अपनी माँ को बचाने के लिए कीर्तन सबके सामने तुम्हें अपनाएगा, और तुम्हें अपनाने का मतलब है मेरे कीर्तन की जिंदगी में फिर से एंट्री। कीर्तन अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल मेरी तरह ना? हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे ये नहीं पता कि अर्जुन केटी जी का बेटा है या नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से इसे सबसे छुपाकर यहाँ रखा है ना, वो गलत है। उधर केटी जी और नंदिनी अर्जुन को पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं, कितने परेशान होंगे वो लोग। उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि अर्जुन ठीक है। मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ। आप ये नाटक करना बंद क्यों नहीं करती? आपको मेरी मॉम की कोई परवाह नहीं है। ये क्या बर्ताव है अर्जुन? आप ना इसी लायक, मैं आपसे नफरत करता हूँ। आपकी वजह से मेरी मॉम रोज रोती है। आपकी वजह से आज मैं अपने केटीपा के पास नहीं हूँ। केटीपा और मॉम रोज सिर्फ लड़ते हैं, और वो सब आपकी वजह से। मैंने आज केटीपा से बात करने की जिद क्या की, मॉम ने मुझे लाइफ में पहली बार थप्पड़ मारा, इसीलिए मैं भाग गया और मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। भागने से कोई हल नहीं निकलता अर्जुन। देखो, तुम्हें जो कुछ भी साबित करना है ना, हिम्मत से करो ना। ऐसे भाग कर, गलत कदम उठाकर, ये सब बुजदिलों की निशानी होती है। अर्जुन देखो, जाओ अपनी मॉम के पास। नहीं जाऊंगा तो क्या करेंगी आप? आपसे नफरत करता हूँ। आपकी वजह से मेरी मॉम रोज रोती है। आपकी वजह से आज मैं अपने केटीपा के पास नहीं हूँ। केटीपा और मॉम रोज सिर्फ लड़ते हैं, और वो सब आपकी वजह से। मैंने आज केटीपा से बात करने की जिद क्या की, मॉम ने मुझे लाइफ में पहली बार थप्पड़ मारा, इसीलिए मैं भाग गया और मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। अगर ये रिकॉर्डिंग मैंने पुलिस को दे दी तो सबसे पहले वो तुम्हारी माँ को अरेस्ट करेंगे तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करने के लिए, और हो सकता है तुम्हें भी। अब चलो,
अच्छे बच्चे की तरह अपनी मॉम को फोन लगाओ। तुम अगर अर्जुन को ढूंढना चाहती हो तो दो बातें अपने दिमाग में फिट कर लो नंदिनी। पहली बात, मुझे यूं चिपकना बंद कर दो, और दूसरी बात, अर्जुन मेरा बेटा नहीं है, मैं उसका बाप नहीं हूं, तो बार बार ये बोलना बंद कर दो। मैं सच्चाई जानता हूं। तो मेरे साथ अर्जुन को ढूंढने आ गए हो, पर ये नहीं मानते कि वो तुम्हारा बेटा है। किसे बेवकूफ बना रहे हो कीर्ति? तुम भी जानते हो कि तुम अर्जुन को अपना चुके हो, मानते हो तुम्हारा बेटा है, इसीलिए तुम साथ आए हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है नंदिनी। मैं आया हूं तुम्हारे साथ क्योंकि मेरी पत्नी, माय वाइफ प्रीति जी, उन्होंने मुझे कहा था, नहीं उन्होंने फोर्स किया था मुझे कि मैं आपके साथ जाऊं और आपके बेटे को ढूंढूं, और मैं अपनी पत्नी की बात टाल नहीं सकता हूं। यू नो आई रियली लव हर, ना तुम्हारी किसी बात पर मुझे भरोसा नहीं है। फोन करो अर्जुन। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।